एक ई रिक्शा चलाता है, एक कानपुर का हमारा बेटा शादी के बाद बर्तन धोता है, एक लड़का छोटे होटल में रोटी बनाता था, एक लड़का ठेले पर भंगार का सामान मेरठ में बेचता था, एक लड़का दिल्ली में जूस का ठेला लगाता था, दो चार दिन के लिए बिजनौर आया वो भी मर गया। ये हमारे नौजवान बच्चे जो अपने खानदान का सहारा थे उनको इन लोगों ने खत्म कर दिया। और अब मैं कहना चाहती हूँ इनकी झूठ भी सामने आ रही है। पहले दिन डीजीपी ने कहा एक भी गोली हमने नहीं चलाई, और उसके बाद कहा हाँ बिजनौर के लखौर गांव में एक हमारी गोली से मरा। और क्या कहानी गढ़ी उन्होंने कि वो भी किसी को मार रहा था, पुलिस वाले को, तो पुलिस वाले ने उसको मार दिया। अरे वो मार रहा था तो उस पुलिस वाले का जख्म तो दिखाओ हमको, वो मार रहा था तो तुमने उसका असलहा भी तो बरामद किया होगा, वो तो दिखाओ। कहने को वो नहीं दिखाएंगे। अब आप देखिए, और ये सारी लड़ाई जो हम लोग को मिलकर लड़ना है, जितने मरे हैं मारे गए हैं उनमें से सिर्फ दो की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली है, वो दोनों नखौर के हैं, बाकी किसी बच्चे की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं थी, क्योंकि वो अपने जुर्म को